नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद तक मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस रूट पर मेट्रो चलने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस कॉरिडोर के बन जाने से गाजियाबाद और साहिबाबाद से नोएडा की तरफ आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद तक मेट्रो ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस कॉरिडोर को बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC ने DPR बनाकर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी है। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाने में 1,873 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रूट पर वैभव खंड, DPS इंदिरापुरम, शक्ति खंड, वसुंधरा, सेक्टर 7 और साहिबाबाद स्टेशन बनाए जाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये मेट्रो का तीसरा फेज है। कॉरिडोर के DPR को GDA के वाइस प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा। जैसे ही फंडिंग का इंतजाम होगा, इस कॉरिडोर को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 5 साल पहले DMRC की तरफ से कॉरिडोर के लिए 1,517 करोड़ की DPR तैयार की गई थी, लेकिन अब इस मेट्रो कॉरिडोर की लागत करीब 356 करोड़ रुपये बढ़ गई है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 62 से मेट्रो को CISF रोड होते हुए सड़क के बीच पिलर्स बनाकर कनाबनी तक ले जाया जाएगा। इसके बाद इस रूट को वसुंधरा में इंदिरापुरम थाने की ओर मोड़ा जाएगा। वसुंधरा सेक्टर 7 होते हुए ये कॉरिडोर साहिबाबाद गांव के सामने लिंक रोड तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर के बनने से जहां गाजियाबाद साहिबाबाद से नोएडा आना जाना आसान होगा, वहीं इस रूट पर प्रॉपर्टी के रेट में भी ज़बरदस्त उछाल आएगा। DMRC से मिली जानकारी के अनुसार सड़क के एक तरफ RRTS का साहिबाबाद स्टेशन होगा, जबकि दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस दोनों स्टेशनों को जोड़ने के लिए 1 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। लोग मेट्रो से उतरकर आसानी से RRTS ट्रेन तक पहुँच सकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।